वैसे भी इसको भाई अंदर टाइम लगने वाला है। गाइस ये देखो क्या है यहाँ पे भाई, मिनी ट्रैक्टर। दिस इज द मिनी ट्रैक्टर ऑफ आर हरियाणा। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7th of August और हमारी शुरुआत हो रही है भाई एक ठीक ठाक खबर से कि भाई अभी मैं जा रहा हूँ सुमित को दवाई दिलवाने से ना सांस लेने में दिक्कत आ रही है थोड़ी। अरे देवा, तो उसको सांस दिलवा के लाते हैं और भाई डॉक्टर के पास एक दुकान होती है डॉक्टर नाम की, तो उससे दिलवा के लानी है। तो उसे सांस एक्स्ट्रा दिलवा के आते हैं, उसे लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, तो वो दिलवा के लाते हैं। बाइक निकल लेके चलते, उसको फोन आया था मेरे पास। एक तो भाई इसके लोग ने दिमाग खराब कर रखा है भाई साहब, खुल गया यार। क्यों 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 भाई, नौटंकी करता है यार साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतना भी तंग मत करा करो किसी को भाई यार, खुल जाना। क्या चाहिए तेरे को? हमको पैसा चाहिए। चट तेरी भाई, इसकी चाबी तो ऑन हुई है, अभी से यहाँ से ऐसे स्लाइड करवा के ले जाऊंगा और सुमित से ऑन करवाऊंगा। मेरे बस की तो हुई नहीं। तुझे दिक्कत हो रही है? अरे हाँ भाई हाँ। क्या आपको दिक्कत हो रही? चलिए पहले बाइक का लॉक खोलिए, चल के। मुझसे खुला नहीं, घर पे यहाँ है, ऐसे ले आया मैं धक्का मार के। लॉक तो खुला पड़ा, ऑन नहीं हो रही, चाबी नहीं घूम रही। शाबाश शाबाश गाइस, जाना हो चुका है, कैंसल क्यों हो चुका है भाई? थोड़ी पर्सनल कंट्रोवर्सी होगी सुमित की दादी के साथ, इसीलिए भाई जाना कैंसल हो चुका है। पता नहीं क्या बात हुई, बस मतलब कि थोड़ा बोलने लगी दादी भाई घर वर पे ही कर ले, पर वो कह रहा नहीं मैं जाऊंगा, फिर बाद में फिर उसने मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। तेरा ब्रदर लड़ाई करके बैठ गया बाहर, तू सो रही है तो क्या नाचो भाई? मैं तो भाई बाइक वाइक लेके आया, मैंने सोचा चलेंगे थोड़ा घूम जाएंगे बाहर बाहर, उसने मना कर दिया भाई। क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं आप थोड़ी देर में। वो देखो भाई कंट्रोवर्सी स्टार्ट है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ भाई, जाएंगे चले जाएंगे, नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएंगे भाई, मैं तो आराम से यहाँ चाबी लेके बैठा हूँ। और अभी तो रुको भाई, ये देखो इसकी कंट्रोवर्सी अब खत्म हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं इसकी दवाई लेने। पहले तो ये लड़ाई झगड़ा करके बैठ गया था, अब आया लगभग एक घंटे बाद भाई, फिर से वही दिक्कत आ गई यार, तंग कर रखा है इन्हें जोर लगा के। हो गई, चलो मैं चलाऊं गाइस। वो तो अंदर वो सांस सा मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कि, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या कहते हैं यार, हवा सी ले रहा है। तो तब तक मैंने कहा भाई अपनी बाइक की चाबी को अनलॉक कर ले जाए, क्योंकि मुझे पता है भाई ये टाइम पे साथ नहीं देगा और फिर हमें इतनी देर खड़े रहना पड़ेगा। बात तो सही है वैसे भी इसको भाई अंदर टाइम लगने वाला है। गाइस ये देखो क्या है यहाँ पे भाई, मिनी ट्रैक्टर। लेकिन भाई ये लिटरली में कितना छोटा है यार, लेकिन देखने में भाई ये क्यूट सा भी लग रहा है। देखो कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा खड़ा हुआ। अबे साले निकल यहाँ से, क्यों अपनी गंदी नजर मुझ पर डाल रहा है? दिस इज द मिनी ट्रैक्टर ऑफ आर हरियाणा। अच्छा अजीबो सा सहनसा। आइए पधारिए, हो गए ठीक, चलिए। बस देखो इसके मालिक आगे अब ले जा रहे हैं इसे, और हमारे मालिक भी आगे इसे भी ले जा रहे हैं, बट हमारे मालिक से हमारी धनों की चाबी नहीं होने हो रही होगी। तेरे हाथों में जादू है जाने मन। ले मैं खींचू पीछे, आने दे भाई। ये पता नहीं चींटी की स्पीड से क्यों बाइक चला रहा है, देखना भाई स्पीड देखो कितनी है, जीरो से ऊपर ही नहीं जा रही, पता नहीं मर मर के चला रहा है, या तो हमारी बाइक का मीटर ही खराब हो। अब आए ना लाइन पे गाइस, मेरा ड्राइवर मुझे धोखा दे गया, वो देखो वो जा रहा। ओ भैया धोखा, रास्ते के बीच में बाइक पार्क करके चला गया, मुझे अंदर करनी पड़ेगी इसको। 12 seconds later तेरे पापा कहाँ गया है? तेरे पापा कहाँ गया कागज लेके? तेरे पापा कहाँ गया कागज लेके? तेरा पापा कहाँ गया कागज लेके? क्यों आराम से बात करो भाई, जिसका पापा मुझे लगता है ट्रेनिंग का पता करने गया होगा। बट एक और बात बता दूं तुम दोनों को, तुम्हारा जो ब्रदर है काला सा सुमित सा, जिसका नाम सुमित है, वो अब उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फिर मैं और वो गए डॉक्टर के पास, उसे ऑक्सीजन दिलवा के लाए। बस ये सीरियस हो गई थी, नहीं सोता है ना क्या क्या लेकिन 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 हमारा ये पतंगबाज खिलाड़ी कहीं नहीं जाएगा, ये इसे जब भी ढूंढो, जहां भी ढूंढो, जैसे भी ढूंढो, ये लड़का तुम्हें इसी छत पे मिलेगा और साथ में पतंग मिलेगी। तुझे मैंने कल क्या कहा था? पता नहीं है, एक मिनट तुझे उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया भाई, मैंने कल इसे कहा था आज पतंग की जगह एक झंडा ले आइए अपने घर के आगे, यहाँ पे लगाएंगे। पर नहीं, झंडा ले आते कितना सुकून मिलता है, बोल बोलता क्यों नहीं, एक झंडा नहीं ला सकता? ला क्या हुआ,
अरे मैं तो मजाक कर रहा था पागल, गुस्सा आ गया क्या? ये देखो गाइस इसकी पिछवाड़ा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मजाक है ये है? मजाक है ये? लेकिन भाई हमारा छोटा भाई भी नाराज हो गया हमसे। Eventually गाइस जरा ये देखो तो सही भाई, इसकी एक पतंग खत्म नहीं होती, दूसरी ले आता है तो हमसे भी अमीर निकला। इतना पैसा कहाँ से लाता भाई तू? बहुत पैसा है मेरे पास। पहले अपनी कमाई का राज बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। तेरे पापा को ये नहीं पता होगा ना कि दूसरी पतंग भी है, अभी बता के आता हूँ। वेट, तो आप प्लीज ऐसा मत करिए। भाई साहब आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको चक्कर चुक्कर तो नहीं आ रहे? बिल्कुल ओके भाई, दोपहर को तो ऐसा हो रहा था। फिर मैं गया मखा कहीं जाए भाई ये टपक ना जाए, फिर इसे दवाई दिलाई लाते कहीं ये टपक टुपक जाए। आज अभी अकेले अकेले खा रही है बदतमीज। बदतमीज पहले मेरे को दिखा। अकेले दी गई थी मेरे साथ कोई ना। मैं कहा था मैं आऊंगा पर तू चली गई। लूट लो भाइयों सारे इसको, लूट लो चीज लाइए इसकी, चीज लूट लो सारे। चलो चलो चलो, नमन भी देख रुक गया तेरी वो देख के चीज। हेलो एक्सक्यूज मी मैं ची 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 धन्यवाद। गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ अकेला खड़ेला था बस, अब देखो भाई यहाँ पे कितनी सारी भीड़ आ चुकी है, एक दो तीन चार, चार नहीं तीन बंदों की भीड़ आ चुकी है, चौथा जो है वो मैं हूँ। गाइस आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, नीचे देखो भाई कितनी मस्त पढ़ाई चल रही है वो देखो। तो गाइस चलो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। आज मेरा कुछ ज्यादा खास व्लॉग बना नहीं क्योंकि आज हम कहीं बाहर बाहर गए नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा भाई सुमित को दवाई देख ला के लाए, उसके बाद फिर भाई हम लोग घर पे आ गए, थोड़ी बहुत मतलब की मस्ती है। और भाई लेकिन कल को भाई हम लोग जाने वाले अपनी ट्रेनिंग का फिर से पूछने, आज तो नहीं जा पाए क्योंकि आज संडे था ना, तो इसी वजह से हम जा नहीं पाए। तो भाई मच्छर भी इतने बदतमीज हो रहे भाई, ब्लॉग भी नहीं एंड करने दे रहे। तो चलो गाइस इस व्लॉग को कर देते हैं एंड, ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक मार देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना। सो गाइस मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड bye।